आज हम राजस्थान की मशहूर गट्टे की सब्जी, जो कि सवामणी में या फिर किसी ओकेजन पे हलवाई लोग बनाते हैं या घरों में अक्सर ही बनाई जाती है दाल बाटी चूरमे के साथ, या फिर ढाबे की मशहूर गट्टे की सब्जी जो कि राजस्थान की स्पेशलिटी होती है, उसे बनाना बताऊंगी। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी, एकदम नई रेसिपी है। आज से पहले आपने यूट्यूब पर ये रेसिपी कभी नहीं देखी होगी, गारंटी है इस बात की। घर में बना के देखिए, मेहमानों के लिए बनाइए और मेहमान आपसे रेसिपी पूछते रह जाएंगे, क्योंकि ये जो सीक्रेट रेसिपी है आज मैं पहली बार ये आपको बताने जा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देखते हैं गट्टे की सब्जी मेरे तरह। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए हमने लगभग 5 कप पानी कढ़ाई में ले लिया है। अब ये पानी जो है हम गट्टे का आटा लगाने से पहले ही गैस पे चढ़ा देंगे और पानी में अच्छा खासा बॉयल आने देंगे। इसमें समय लगता है इसलिए इसे मैंने पहले चढ़ा दिया है। अब चलिए गट्टे का हम आटा लगा लेते हैं। गट्टे के आटे को लगाने के लिए करीब 2.5 कप मैंने मोटा वाला बेसन लिया है, जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ना मिले तो आप आटा चक्की से अरेंज कर सकते हैं, या फिर घर में जो आपके पास बेसन अवेलेबल होता है पतला वाला, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गट्टे जो होते हैं मोटे वाले बेसन के ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब जो गट्टे का आटा हमें लगाना है, उसके लिए हम बीच में जगह बनाएंगे जिसमें हम सारी सामग्री ऐड करेंगे। साथ ही गर्म पानी से ही हम गट्टे का जो है आटा लगाएंगे, इससे गट्टे सॉफ्ट बनते हैं। तो गर्म पानी लेंगे करीब अंदाजे से 1/2 कप के आसपास, जो कि हम गट्टे में डालने वाले हैं। गरम पानी ऐड करने से पहले इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। दही आप कोई सा भी ले सकते हो, घर में अगर खट्टा दही है तो वो भी ले सकते हो, नॉर्मल दही भी ले सकते हैं। साथ ही 1/4 कप तेल डाला है ग्राउंड नट ऑयल, जो कि मोइन के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 बड़ा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच डाला है इसमें हल्दी का पाउडर और 1.5 बड़े चम्मच डाला है कुटा हुआ सौंफ का पाउडर, और साथ में 2 बड़े चम्मच मैंने कुटे हुए जो धनिया के बीज होते हैं आप हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हैं, और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें जीरे का डाल दिया, 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी के डाल दिए हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच के आसपास नमक, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और 1/4 चम्मच अजवाइन को हाथों के बीच में इस तरह से मसलते हुए हम ऐड करने वाले, इससे अच्छा अरोमा आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आता है। अजवाइन के साथ ही इसके अंदर हींग का पाउडर मैंने ऐड कर दिया है 1/4 चम्मच, बेकिंग पाउडर बिल्कुल चुटकी भर, जिससे कि गट्टे हमारे नरम और सॉफ्ट बने। साथ ही एकदम तेज़ गर्म पानी इसमें ऐड कर देंगे अंदाजे से, और गट्टे का हम आटा उसन लेंगे। गट्टे का जो आटा उसनना है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। जैसा आप नॉर्मल पराठों का आटा लगाते हैं घर में, बस उस हिसाब से आपको गट्टे का आटा लगाना है। वैसे आप नोटिस करेंगे कि जैसे आटा आप लगाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा पानी अब्जॉर्ब करेगा और थोड़ा हल्का सा सख्त होता जाएगा, इसलिए थोड़ा सा शुरुआत में ही पानी ऐड करके आटे को हल्का सॉफ्ट लगाना है। ये देखिए आटा जो है लग चुका है। अब इसके ऊपर हम अच्छे से ऑयल की कोटिंग कर देंगे, क्योंकि जब हम इन्हें शेप देंगे तो ये चिपकेगा नहीं। बेसन की टेंडेंसी होती है थोड़ी हाथों पे स्टिक होना। अब ये देखिए हमने कटर से कट कर लेंगे। आटे के आकार का एक पेड़ा लेंगे और उसे हाथों से लंबा लंबा बेल लेंगे। देखिए इस तरह से स्टिक के जैसा आपको लंबा इन्हें बेल लेना है। आप चाहें तो पतले गट्टे निकाल सकते हैं, थोड़े मोटे निकाल सकते हैं, जितना आपको साइज कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप गट्टे बना सकते हैं। गट्टे जो होते हैं बनने के बाद थोड़ा सा साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए हम उन्हें पतला ही बेलेंगे। सारे गट्टे मैंने बेल के रख लिए हैं। अब हमें इन गट्टों को अच्छे से पानी में बॉईल करना है। साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे जिससे कि कढ़ाई में आसानी से फिट हो सके। गट्टे उबालने के लिए पानी मैंने ऑलरेडी पहले से ही चढ़ा दिया, तो 5 से 10 मिनट लगे पानी को बॉईल होने में, और इसमें अब हम गट्टे ऐड कर देंगे। और गट्टों को अंदाजे से 10 मिनट आपको तेज आंच पे अच्छे से बॉईल लेना है। सो 10 से 15 मिनट आप डिपेंडिंग गैस का फ्लेम कितना तेज है उस हिसाब से आपको बॉईल लेना है। अब पहचान क्या है कि गट्टे आपके जो हैं वो बॉईल हो गए हैं, तो पहचान ये है कि सबसे पहले तो ये कि गट्टे जो हैं साइज में थोड़े फूल जाएंगे, ऊपर सरफेस पे पानी की तह पे ऐसे फ्लोट करने लगेंगे, तैरने लगेंगे, और दूसरा ये कि जो गट्टे हैं उनके ऊपर आपको दाने दाने से नजर आएंगे। ये देखिए इस तरह से बबल्स जो हैं गट्टे के ऊपर बन जाएंगे। जब गट्टे के ऊपर इस तरह से बबल्स आ जाएं तो ये एक पहचान है कि गट्टे जो हैं हमारे अच्छे से उबल चुके हैं। सो 10 से 15 मिनट तेज आंच पे गट्टों को उबालना है। गट्टे एकदम परफेक्टली बॉयल हो चुके हैं, उसके ऊपर दाने दाने के निशान भी आ चुके हैं। अब हम इनको एक परात में निकाल के और ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जिस पानी में आपने गट्टों को उबाला है
वो पानी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गट्टे की ग्रेवी के लिए। जो हम झोल बनाएंगे उसके लिए ये पानी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है गट्टे की ग्रेवी को। तो ये पानी मैंने ये देखिए निकाल के रख लिया है लगभग 2 कप के आसपास। चलिए अब इस पानी को साइड में रखते हैं, ग्रेवी के लिए हम बाद में इसे इस्तेमाल करेंगे। जो गट्टे हैं वो ठंडे हो चुके हैं, उसे पीसेस में मैंने कट कर लिया है छोटे पीसेस में। अब मैं आपको दिखाती हूँ गट्टे देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, हाथों से आसानी से मैश हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपके भी गट्टे बनेंगे। अब गट्टे जो हैं मैंने सारे के सारे छोटे पीसेस में कट करके रख लिए हैं। अब ये जो गट्टे की क्वांटिटी है ये बहुत ज़्यादा है, आराम से 2 से 3 बार इससे आप गट्टे बना सकते हैं, लेकिन मैं आज सारे ही गट्टे आपको बना के दिखा रही हूँ। और इतनी क्वांटिटी गट्टों की जो मैंने बनाई है इसमें आराम से 10 लोग खाना खा सकते हैं। चलिए ये मैंने ग्राउंडनट ऑयल लगभग 1.5 कप के आसपास कढ़ाई में चढ़ा दिया एलोए की तेज आंच पे गर्म होने के लिए। तेल जब गर्म हो गया है उसके अंदर मैंने सारे गट्टे डाल देने हैं। गट्टों को हमें तेज आंच पे एकदम गर्म तेल में फ्राई करना है बिल्कुल सुनहरा और क्रिस्पी होने तक। गट्टों को फ्राई करने के 2 फायदे हैं, एक तो ये कि गट्टे की सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, दूसरा ये कि अगर आपको एक साथ इतने गट्टे नहीं बनाने हैं, केवल 1 या 2 लोगों के हिसाब से बनाने हैं या जितनी क्वांटिटी आपको बनानी है बस आप उतनी बना लीजिए और बाकी एयर टाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पे आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये 15 से 20 दिन या लगभग 1 महीना भी ख़राब नहीं होते, लंबे समय तक भी चल सकते हैं अगर आप फ्रिज में रखते हैं। तो ये देखिए गट्टे हमने फ्राई करके रख लिए हैं, बिल्कुल नमकीन जैसे ये हो जाते हैं इस टाइम पे, जिन्हें आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए आप चाहें तो इन्हें चाय के साथ एज अ स्नैक भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसे आप गाठिया सेव खाते हैं मसाले वाली, बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है नमकीन जैसा इन गट्टों का। तो गट्टे जो हैं फ्राई हो चुके हैं, इन्हें साइड में रखते हैं। इतने सारे गट्टों की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लगभग 2 कप नाप के दही लिया है फेटा हुआ। दही जो है बहुत ज़्यादा खट्टा वाला नहीं है, नॉर्मल दही है। और 6 बड़े चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर डाला जाएगा। धनिया पाउडर बहुत ज़रूरी होता है, ग्रेवी को कंसिस्टेंसी देता है। धनिया पाउडर के बाद इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाले हैं। अगर तीखापन तेज़ प्रेफर करते हैं तो 1 चम्मच आप देगी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड कर दिया। 1/4 चम्मच हींग का पाउडर इसमें जाएगा। साथ में 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी के जाएंगे। ये देखिए ये है डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट मतलब कोकोनट का बुरादा जिसका तेल निकला हुआ होता है। तो 6 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट के मैंने ऐड कर दिए। 2 बड़े चम्मच हम काजू का पाउडर ऐड कर रहे हैं। काजू को मिक्सी में डाल के सिंपली बस इसका पाउडर बना के वो ऐड कर दिया है। तो आप काजू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर पाउडर नहीं ऐड करना तो। आप अच्छे से इस मसाले को दही के साथ फेंट लेंगे। देखिए बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, गुठली नहीं होनी चाहिए, दही अच्छे से हमने फेंट लिया। अब इसके अंदर 1 कप फुल क्रीम दूध हमने ऐड कर दिया। अच्छा जो फैट वाला मिल्क होता है वो ऐड कर दिया। चाहे तो दूध की जगह आप 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से ये देखिए दही का पेस्ट बनके रेडी है। चलिए अब ये जो तेल है जिसमें मैंने गट्टे फ्राई किए थे उस तेल में थोड़ा सा तेल रहने दिया, बाकी तेल मैंने निकाल दिया। इस तेल को ना मैं एक भगोनी में ट्रांसफ़र कर दूंगी और उसमें 1 बड़ा चम्मच जीरे का डाल दूंगी तेल गर्म करके, और 1 बड़े चम्मच काजू कतर के ऐड कर दिए। 1 बड़ा चम्मच किशमिश का ऐड कर दिया। किशमिश और काजू को हल्का सा तेल में फ्राई कर लेंगे जिससे कि अच्छा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद ये जो मसाला हमने बनाया था दही वाला वो हम ऐड कर देंगे। चाहे तो तेल में शुरुआत में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड कर दीजिए, उससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने नहीं ऐड किया, मैं भूल गई थी। साथ ही इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट। हरी मिर्ची को मैंने मिक्सी में डाल के पानी के साथ थोड़ा सा पेस्ट बना के इसमें ऐड किया, और 1 बड़ा चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट ऐड किया। हरी मिर्ची का पेस्ट डायरेक्ट तेल में इसलिए नहीं डाला, नहीं तो बहुत ज़्यादा धांस हो जाती है। 1 चम्मच मैंने नमक का अंदाजे से ऐड कर दिया है। अच्छे से देखिए ये जो ग्रेवी है इसमें बॉयल आने दीजिए, करीब 7 से 8 मिनट तेज़ आँच पर उबलने दीजिए। उसके बाद 2 कप जो हमने गट्टे उबाले थे जिस पानी में, वो पानी हम ऐड कर देंगे। उस पानी को डालने के बाद भी आपको अच्छे से करीब 7 से 8 मिनट तेज़ आंच पे बॉईल करना है। तेज पत्ता इसमें मैं ऐड करना भूल गई थी शुरुआत में ऑयल में, वो भी मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो बाद में भी तेज पत्ता ऐड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ में जो गट्टे हमने फ्राई करके रखे थे वो भी हम ऐड कर देंगे।
गट्टे डालने के बाद इसे करीब 20 से 25 मिनट आपको अच्छे से बॉईल लेना होता है मीडियम आंच पे या फिर तेज आंच पे। साथ ही एक मुट्ठी बारीक कटा हुआ धनिया भी ऐड कर देंगे और धनिया डालने के बाद इसको अच्छे से आप बॉईल आने दीजिए। टोटल गट्टे पकने में 15 से 20 मिनट लगते हैं ग्रेवी के साथ। और इसमें अगर आप चाहें इसको आपको रिच बनाना है तो आप इसमें 1 कप दूध डाल सकते हैं उबालते वक्त, या फिर मिल्क पाउडर या फिर खोया। तो मैं इसके अंदर घर पे जो बना हुआ खोया होता है वो ऐड करने वाली हूँ करीब आधा कप के आसपास। तो आधा कप मैंने इसके अंदर खोया जो मावा होता है वो ऐड कर दिया। घर में जब आप मलाई निकालते हैं तो उसका जो बचा हुआ रेजिड्यू होता है आप चाहें तो उसे ऐड कर लीजिए, या फिर नॉर्मल आप चाहें तो इसमें मलाई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है खोए या मिल्क पाउडर की जगह। उससे जो ग्रेवी होती है इसमें रिचनेस आती है। तो जब कभी आप पार्टीज़ में गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं तो इस तरह से हलवाई लोग इसके अंदर मावा, खोया या मलाई का इस्तेमाल करते हैं गट्टे की सब्ज़ी को थोड़ा रिच बनाने के लिए। तो गट्टे की सब्ज़ी देखिए हमारी ऑलमोस्ट बनके रेडी है। अब इसे कितना पतला रखना है, कितना थिक करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी या फिर दूध का इस्तेमाल करूँगी इसे पतला करने के लिए। जब आप राजस्थान में ढाबे वाले गट्टे ऑर्डर करते हैं तो वो इसी तरह की कंसिस्टेंसी में होते हैं, थोड़ी सी सेमी थिक कंसिस्टेंसी में होते हैं। लेकिन जब आप हलवाई के हाथ के दाल बाटी के साथ गट्टे खाते हैं तो उन गट्टे की जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी पतली होती है। देखिए मुँह में पानी आ ही रहा होगा, इतनी गजब टेस्टी सब्जी बनी है कि देखते ही मुँह में पानी आता है। ऊपर से मैंने इस पर थोड़ी सी मलाई डाल दी है, साथ में बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा कद्दूकस करके पनीर, थोड़े से काजू किशमिश से गार्निश करने के बाद इसे आप गर्मा गर्म सर्व करिए। तंदूरी रोटी, नान, लच्छा पराठा या फिर नॉर्मल घर के तवा पराठा या पूड़ी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है गट्टे की सब्ज़ी, और आप इसे बाटी के साथ तो बना ही सकते हैं। तो गट्टे की सब्ज़ी का ये वीडियो, ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको सब्ज़ी कैसी लगी।